हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज के दिन आप लोग देख रहे हैं लगभग 1.5% की गिरावट इस स्टॉक में होती हुई नजर आ रही है। स्टार्टिंग में स्टॉक काफी तेजी से फॉल होता हुआ नजर आया, उसके बाद आप लोग हल्की फुल्की रिकवरी भी इस स्टॉक में देख रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, आगे आने वाले टाइम में क्या टारगेट होने वाले हैं, करंट न्यूज क्या चल रही है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग आज की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एसबीआई कार्ड ने थोड़े दिन पहले आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया था शैडो बैंक्स को, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एनबीएफसीज होती हैं, वो क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं कर सकती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एसबीआई कार्ड के ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके चलते स्टॉक में आप लोग ने देखा था कि 2.5% के आसपास रैली भी आपको देखने को मिली थी। तो ये तो 2 दिन पहले की न्यूज़ है। करंट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि एसबीआई कार्ड ने ज्वाइंट वेंचर एक पार्टनरशिप करी है टीसीएस के साथ, जो कि एक्सपीरियंस करेगी, क्रेडिट कार्ड को एक्सपीरियंस कराएगी बिल्कुल रियलिस्टिक। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे दोनों ही चीज़ों कंपनियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये जो ज्वाइंट वेंचर है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, देख सकते हैं बिल्ड ऑन अ डेकेड्स लॉन्ग पार्टनरशिप चलने वाली है। तो डेफिनेटली आप लोगों को दोनों ही कंपनियों में इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को इस स्टॉक को अब यहाँ पे जरूर पिक करके चलना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया है कि पिछले 6 महीने का अगर चार्ट देखें इस स्टॉक का, तो यहाँ पे 800 के लेवल पे स्टॉक में काफ़ी बढ़िया आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तो 750-800 के लेवल पे इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर आप लोग इन लेवल्स पे बाय करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कम रिस्क में काफी अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। अभी 1 महीने पहले आप लोगों ने देखा था कि एचडीएफसी सिक्योरिटी ने टारगेट दिया था 1100 रुपए का। तो यहाँ पे करंटली बहुत मार्केट में सिचुएशन खराब है, जिसके चलते कोई भी स्टॉक काफ़ी अच्छी रैली नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन ये जो टारगेट है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के टारगेट होते हैं और आप लोगों को डेफिनेटली ये एक ना एक दिन अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो 800 का अभी स्टॉक आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, 1100 का टारगेट काफ़ी अच्छा खासा रैली इस स्टॉक में कभी भी देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हम लोगों ने जो न्यूज़ डिस्कस करी वो दोनों ही पॉजिटिव न्यूज़ थी इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग ने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और अभी तक अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो जरूर इस स्टॉक को वॉचलिस्ट में सेव करके रख सकता है। और अगर इस स्टॉक में थोड़ी बहुत और गिरावट आती है और 780-785 के लेवल्स मिलते हैं तो आप लोगों को जरूर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैंने आपके साइड आउट क्लियर करने की कोशिश की है एसबीआई कार्ड से रिलेटेड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।